हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं दोबारा जवान मूवी को लेकर। काफ़ी चर्चा चल रही है देश में, इसलिए मुझे दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं आप जवान का जो पागलपन है पूरे देश में, उसी के ऊपर इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है, जो कि जवान और SRK के लिए दीवानगी है। क्या जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या जवान ने 200 करोड़ की नई ओपनिंग ले ली है? एक नया रिकॉर्ड जवान ने बना लिया है। यही सब बातें हम करेंगे आगे वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जवान की ओपनिंग 200 करोड़ हो चुकी है, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पठान मूवी से कितनी ज्यादा है जवान मूवी का। क्या शाहरुख खान ने ही शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया? जी हाँ, SRK ने ही एक रिकॉर्ड बनाया था अपने नाम पठान मूवी को की ओपनिंग में 106 करोड़ रुपए कमा के। दूसरी तरफ ये जवान मूवी जब से आई है, तब से उसका रिकॉर्ड अलग ही लेवल पे जा रहा है, जो कि पठान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देगी उसकी ओपनिंग फर्स्ट डे। सूत्रों के हिसाब से माना जा रहा है कि जवान मूवी फर्स्ट डे ओपनिंग में ही 200 करोड़ कमा सकती है, जो कि खुद SRK अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे हमें। भाई, शाहरुख खान को ऐसे ही किंग खान या बाजीगर नहीं कहते। जी हाँ, जहाँ हम 100 करोड़ की मूवी को सुपर हिट हिट ब्लॉकबस्टर कह देते हैं, वहीं शाहरुख खान की एक साल के अंदर 2 मूवी आती है जो कि दोनों हजार हजार करोड़ की होती है। तो आप लोगों को भी मानना पड़ेगा कि SRK ही रियल बादशाह है बॉलीवुड और पूरे इंडिया का। सूत्रों की माने तो 25 करोड़ की ऑफलाइन बुकिंग हो चुकी है, अब फैंस को 7 सितंबर का इंतजार है। क्या लगता है SRK एक नया कीर्तिमान खड़ा कर पाएंगे अपने नाम, जो कि उसको गिराने में काफी टाइम लगेगा? आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। शाहरुख खान के नाम एक नया रिकॉर्ड बना है बॉलीवुड दक्षिण भारत से, जैसे कि हैदराबाद में पहली बार 7:30 बजे मूवी चालू होने वाली है, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नई बात है। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि बॉलीवुड की मूवी 7:30 बजे के पर्दे पे रिलीज होती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार एक नया रिकॉर्ड बन रहा है शाहरुख खान के नाम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने